आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 6,15,518 करोड़ का बजट पेश किया। सुरेश कुमार खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में भाजपा को दोबारा मौका देने के लिए धन्यवाद जताया, जबकि इस बजट को जन आकांक्षाओं के मुताबिक बजट को अनुकूल बताते हुए सीएम योगी ने कहा कि यह बजट अगले 5 साल के विकास का लक्ष्य दर्शा रहा है और उज्जवल भविष्य का ड्राफ्ट बजट कहा जाना चाहिए। हमारी सरकार ने अपना वर्ष 2022-23 का बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत किया है। यह बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जन आकांक्षाओं की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख कर के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनाया गया है। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश उन जन आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके और समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सके, इस दिशा से उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट 5 वर्षों का एक विजन भी है। योगी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश किया गया। सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट 2022-23 पेश किया, जिसमें एक बड़ा ऐलान किए गए हैं। योगी सरकार के इस बजट पर आम जनता ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। जो है बीज भी वितरण करने की बात कही, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15,000 सोलर पंप लगाने की बात कही है। लघु सिंचाई के लिए 1,000 करोड़ का बजट रखा है। सरकार कह रही है कि इस बजट में उसने जो अपना खजाना है वो किसानों के लिए खोल दिया है, किस तरीके से देखते हैं इसको? अगर कुछ भी नहीं है, सरकार द्वारा दिया गया कुछ भी किसान को नहीं मिल पा रहा है। ये तो सिर्फ जो है कागजों, अखबारों में बस चलता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सहूलियत होती है जो किसानों को सीधे मिलती हैं, मतलब बजट में क्या रखना चाहिए था विशेषकर? सुविधाएं दी जाएं, किसान को सीधी दी जाएं, ऐसा कुछ होता नहीं है। अधिजय, उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आ रहा है, किसानों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, लघु सिंचाई के लिए 1,000 करोड़ का बजट भी आया है। साथ ही आपको बता दें कि 15,000 सोलर पैनल भी उत्तर प्रदेश में जो सोलर पंप हैं लगाए जाएंगे, इसको किस तरीके से देखते हैं और आज आप बजट को किस तरीके से देख रहे हैं? आज जो बजट पेश हुआ है, हमारी समझ में किसानों के लिए कोई ये बजट नहीं है, क्योंकि लघु सिंचाई वाले इन्होंने जो घोषणाएं की थी उस घोषणाओं पर इन्होंने अभी तक सरकार ने अमल नहीं किया। अब ये लघु सिंचाई में किसानों को क्या लाभ हमें मिलेगा, इस बजट जो आया है उसमें किसानों को क्या लाभ मिलेगा, ये सरकार सोचना चाहिए। अरे किसान को सीधा, गरीब किसान को सीधा अगर कोई लाभ मिले तो किसान सरकार को देना चाहिए, इसमें बजट में किसान कुछ नहीं मिलने वाला नहीं। आज उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आ रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में युवा अधिवक्ताओं के लिए भी 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि पहली बार बजट में युवा अधिवक्ताओं के लिए भी कुछ है? युवा अधिवक्ताओं के लिए तो हर टाइम पर, हर समय समय पर नई नई स्कीमें निकालते हैं, बट आज तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो आपका मतलब है कि कागजों में रहता है? हाँ, कागजों में ही रहता है। तो क्या आपको इस सरकार से भी उम्मीद नहीं है? अभी इससे पहले भी युवा अधिवक्ताओं के लिए 5,000 रुपए साल बुक्स के लिए उपलब्ध कराए जाने थे, बुक्स कितने अधिवक्ताओं को प्राप्त हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए कि युवा अधिवक्ताओं तक सीधे पहुंच बन सके, सरकार की जो व्यवस्थाएं सरकार करती है उनकी? सरकार को हर एक युवा अधिवक्ता के लिए एक मंथली इनकम बनानी चाहिए, जिससे वह अपने लिए बुक्स वगैरह खरीद सके, उससे अध्ययन कर सके।
आज उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आया है, जो युवा अधिवक्ता है उनके लिए एक बजट में 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप एक अधिवक्ता हैं और युवा भी हैं? वैसे तो अभी तक तो अधिवक्ताओं के लिए कोई सरकार ऐसा ठोस कदम आज तक तो उठाया नहीं है, और जो उन्होंने उठाया है ये जहाँ तक है कुछ इससे युवा में उत्साह हुई और उनको कुछ तो लाभ मिलेगा, आराम भी होगा इससे। इससे पहले क्या होता था, अधिवक्ता यहाँ पर जो भी आते थे वो अपने जेब से ही लगाते थे, कुछ उनको मदद मिल जाएगी अपने आप। आपकी यूपी के बजट में आम जनता को क्या फायदा हुआ? देखिए, आपकी यूपी की जनता को बहुत फायदा हुआ। हम लोग कानपुर के निवासी हैं, कानपुर की जनता को 747 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है, क्योंकि 747 करोड़ रुपए जब आएंगे तो हमारे मेट्रो परियोजना में लगाया जाएगा, जिससे जल्दी काम कंप्लीट होगा। ये नहीं कि अब 50 करोड़ 100 करोड़ करके दें, इकट्ठा 747 करोड़ आवंटन हो गया है। और मैं इसी तर्ज पर आप आगरा में भी 500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। उसके अलावा सौर ऊर्जा के लिए इन्होंने बहुत अच्छी जो खेतियर जमीन है उस पर जो काम रहने वाले किसान लोगों के लिए सौर ऊर्जा फ्री कर दिया गया है, आप सौर फ्री में लीजिए और उससे आप पंप भी चलाइए। तीसरा सबसे अच्छा काम जो है, शक्कर की मिलें 3 नई चालू होंगी और 6 पुरानी मिलों को पुनरुद्धार किया जाएगा। अगर 6 चीनी मिलों को चालू किया जाएगा तो कम से कम कुछ लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा और इससे प्रदेश में उन्नति होगी। आज योगी 2.0 का बजट आया है, इस बारे में आपको क्या कहना है? बजट के बारे में तो यही कहना है कि जो चीज़ ज़रूरी है, जो हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए और शिक्षा के लिए, और जो हम लोगों का बिल इतना आता है बिजली का बिल, इसके लिए इसी बारे में कहना है कि पहले इस पर ज़्यादा ध्यान दें। वो आपको कहना मतलब है बिजली के बिल पर रोजगार? जी जी, वो तो मेट्रो की सौगात दी है लगभग 650 के लगभग करोड़ की, तो उस पर मेट्रो को बैठना है, मेट्रो की सौगात मिली है, और आप कौन सी सौगात चाहती हैं? मेट्रो की मैं सौगात क्या चाहिए, जब हमारे घर में खाने को नहीं है हम उसके लिए परेशान है तो मेट्रो थोड़ी बैठने जाएंगे। पहले जो इंसान के लिए ज़रूरी है वो चीज़ होनी चाहिए कि मेट्रो ज़रूरी होनी चाहिए। अगर यही पैसा पहले इंसानों पर लगाया जाए वो 600 करोड़ रुपये में कितना सबका भला होता, मेट्रो थोड़ी नहीं भला होगा। बजट किस तरह का पेश हो, लेकिन बजट में सिर्फ पूंजीपतियों का ध्यान दिया जाता है, हम मिडिल क्लास लोगों का नहीं। मैं जॉब करता हूं, प्राइवेट जॉब करता हूं, मेरा नाम दिलीप कुमार टोरानी है। सरकार को कुछ मिडिल क्लास पर भी ध्यान देना चाहिए, मिडिल क्लास के बारे में कुछ नहीं सोचती सरकार। बार जो सरकार का बजट आया है, कितना संतुष्ट हैं आप? मैं इस बजट से पूर्णतः संतुष्ट हूं, और पिछली बार जो बजट आया था उसमें जो योगी सरकार का कार्य देखने को मिला, गोरखपुर में एम्स, देवरिया में एम्स, और कई जगह 8-9 जगह मेडिकल कॉलेज उन्होंने खुलवाए, और मैं इस कार्य से बहुत संतुष्ट हूँ। और मैं पूर्णतः यह आश्वस्त करता हूँ कि जो बजट अभी आया है उस बजट में सरकार काफ़ी उन्नति करेगा यह राष्ट्र, और जो विकासशील राष्ट्र है या विकसित राष्ट्र में परिवर्तन होता नजर आ रहा है। इस बार सरकार का जो बजट आया है उसको लेकर जो है आपका क्या मानना है, क्या सोचना है? देखिए, ये भाजपा का जो योगी सरकार का बजट आया है तो ये विकास कार्यों में लगेगा, और इनके जो भी बजट आए हैं सब विकास कार्यों में लगे, युवाओं के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, और जहां जरूरत समझी गई है वहां पर ये बजट का सदुपयोग हुआ है। और हमको लगता है कि ये भारत देश अपना जो है विश्व गुरु के लिए अग्रसित है और बनेगा, निश्चित ही बनेगा इस भाजपा सरकार। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज पहला बजट सत्र पेश हुआ है। आपको बताएं कि सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से 90 मिनट में 615 लाख करोड़ का आज बजट पेश हुआ है। उसी क्रम में हमारे साथ आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आज बजट पेश हुआ है, क्या आपकी आशा अपेक्षाएँ रही हैं और सरकार की तरफ से क्या काम किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत उत्साह के साथ, बहुत विचार करते हुए, प्रदेश के सभी वर्गों का समावेश करते हुए उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, महिला सुरक्षा के क्षेत्र में तमाम उन्होंने प्रयास किए हैं कि कैसे प्रदेश का विकास हो सके। लेकिन मैं आदर्श व्यापार मंडल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, व्यापारियों का नेतृत्व करता हूँ, ऐसी स्थिति में हम लोग लगातार इस बात के ऊपर टकटकी लगाकर देख रहे थे कि वित्त मंत्री जी व्यापारियों के लिए कब बोलेंगे। प्रदेश सरकार ने इस बजट में डायरेक्ट रूप में
व्यापारियों के लिए कुछ नहीं बोला, ये हम लोगों कहीं ना कहीं मन में ये बात थोड़ी सी चुभी है। शायद व्यापारियों की तरफ बजट बनाते समय वित्त मंत्री जी का उतना ध्यान नहीं गया। इनडायरेक्ट वे में व्यापार बढ़ेगा, व्यापारियों का फायदा होगा कि सड़कें बढ़ेंगी, प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो सड़कों के बढ़ने से भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, एयरपोर्ट्स बढ़ेंगे तो उससे भी व्यापार बढ़ेगा, अयोध्या में चीज़ें बढ़ाने की बात हुई है उससे भी व्यापार बढ़ेगा, काशी में बात हुई है चीज़ों को और डेवलप करने की उससे व्यापार बढ़ेगा। इनडायरेक्ट वे में व्यापार बढ़ाने के तमाम अवसर सरकार ने दिए हैं, लेकिन डायरेक्ट वे में सरकार व्यापारियों को स्वास्थ्य बीमा दे सकती थी, व्यापारियों का दुर्घटना बीमा योजना का दायरा बढ़ा सकती थी, प्रदेश में ई कॉमर्स के लिए कोई पॉलिसी ला सकती थी, CCTV कैमरा, अभी मुख्यमंत्री जी ने पिछले कुछ दिनों पहले व्यापारियों से अपील की थी कि बाजारों में CCTV कैमरा व्यापारी लगाए, तो हम लोग ये मान के चल रहे थे कि व्यापारियों के साथ साथ प्रदेश सरकार भी इस पर पहल करेगी और CCTV कैमरा शासन की तरफ से लगाए जाएंगे, लेकिन इन सबकी कोई घोषणा नहीं हुई, तो ये ना कहीं इस बात की हम लोगों को चिंता हुई। अच्छा, बजट आने से पहले अगर व्यापारियों की बात की जाए तो अध्यक्ष के तौर पर व्यापारियों की खुशहाली के लिए क्या आशा अपेक्षाएँ लगाए बैठे थे आप? देखिए, सरकार व्यापारियों की चिंता कर रही, इसमें कहीं कोई दोराय नहीं है, लेकिन डायरेक्ट वाली बात बनने बताई, हम लोगों की अपेक्षा सरकार से ये, सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, सरकार सबकी चिंता कर रही है, और पिछले 10 मार्च को रिजल्ट आया है, उसके बाद से आज भी मई चल रहा है, 3 महीनों के अंदर सरकार ने जितना उत्साह दिखा सकती थी सरकार ने पूरे अपने उत्साह दिखाया है। मुझको लगता है कि हो सकता है पूरक बजट में या अभी बजट पर और चर्चा होगी, आज तो बजट पेश हुआ है, इसके अभी पूरा बजट सत्र चलेगा उस पर चर्चा होगी, तो मुझको लगता है कहीं ना कहीं सरकार व्यापारियों की बातों को देगी, और आपके जो चैनल के माध्यम से आज ये बातें शुरू हो रही हैं तो कहीं ना कहीं सरकार तक ये बातें पहुँचेंगी, और आदर्श व्यापार मंडल भी ज्ञापनों के माध्यम से, मिलने या मुलाकात के माध्यम से अपनी बात को पहुँचाएगा और सरकार से व्यापारियों के हिस्से की चीज़ें लेकर के आएगा। तो हमारे साथ मौजूद थे आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि व्यापारियों को अगर देखा जाए तो इस बजट में कहीं ना कहीं जो नज़रअंदाज किया गया है उससे कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतें आएंगी, और आगे जो सरकार से उनकी आशा अपेक्षाएं हैं कि व्यापारियों के हित में काम करेगी। कैमरामैन शुभम के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। वाराणसी में मां श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी की सुनवाई आज जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में हुई, और मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने कहा कि शिवलिंग का अस्तित्व कहां है और अभी तक यह सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए अस्तित्व साबित होने तक पूजा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मिले शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया है। आज वादी प्रतिवादी पक्ष के कुल मिलाकर 3400 लोगों को कोर्ट में मौजूद रहने की अनुमति दी गई। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी। आज जो बहस स्टार्ट हो गई, और स्टार्ट होकर बहस पे जो है चली बहुत देर तक, करीब 2 घंटे, पर पूरी नहीं हो पाई, कंटिन्यू जो है 30 तारीख के लिए कर दी गई। क्या पक्ष रखा गया आप लोग की तरफ से आज? पक्ष जो लॉ पॉइंट है उस लॉ पॉइंट को रखा गया है, बाकी लॉ पॉइंट बाद में रखे जाएंगे। अच्छा, 7-11 को लेकर आज मतलब सुनवाई आगे इसी पर जारी रहेगी? आगे इसी पर जारी रहेगी, 7-11 पर आज भी हुई है, जो पार्ट बचा हुआ 7-11 का वो आगे होगी। अपनी बात को रखी है, अभी बात उनकी पूरा नहीं हुई है, और उन्होंने सोमवार को डेट लगा है 30 तारीख को अपनी बात पूरा। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में राज्य का बजट 2022-23 पेश किया, जिसमें कई बड़े ऐलान किए गए हैं। सरकारी स्कूलों को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए निशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू की गई है, जिसमें प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से 25 दिसंबर 2021 को इसका शुभारंभ हुआ। इसी के साथ महिलाओं के साथ साथ हेल्थ सेक्टर को लेकर भी बड़े ऐलान किए गए हैं। प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जिस पर ससम्मान उनकी शिकायतों का निराकरण कराया जा रहा है। इससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है, उनकी शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई तत्काल की जा रही है। प्रदेश के जनपदों में 2740 महिला पुलिस कर्मिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया है। महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हेतु 3 महिला PSC बटालियन लखनऊ, गोरखपुर तथा बताइयों का गठन किया जा रहा है। अगस्त 2020 में गठित महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन का क्रियान्वयन पर्यवेक्षण अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है।
युवाओं के लिए, प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 25 दिसंबर 2021 से निशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 12 लाख टैबलेट स्मार्टफोन वितरण हेतु जनपदों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं तथा वितरित किए जा रहे हैं। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में आगामी 5 वर्षों में 2 करोड़ स्मार्टफोन ऑब्लिक टैबलेट वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 10,547 करोड़ 42 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 620 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 2949 चिकित्सालयों को आबद्ध किया गया है। प्रदेश के 1.78 करोड़ लाभार्थी परिवारों को लाभ दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। अब तक 1.84 करोड़ व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। योजना हेतु 560 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। उत्तर प्रदेश सरकार के कल्याण और दिव्यांग शक्ति मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने बजट के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 6,15,518 करोड़ से ज्यादा का बजट उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राशि वाला बजट पेश कर रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश की जनता के हर वर्ग के लिए यह बजट उपयोगी सिद्ध होने वाला है और उसमें सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए यह बजट उत्तर प्रदेश के उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होने वाला है। योगी सरकार के, योगी जी की दूसरी सरकार का पहला बजट 2022-2023 के लिए आज उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा पेश किया गया। बजटीय व्यवस्था के अनुसार इस बार के बजट में 6,15,000 करोड़ से भी अधिक का बजटीय व्यवस्था की गई है। मेरे विचार से उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में योगी जी की सरकार। बरेली में साध्वी प्राची ने बयान देते हुए कहा कि सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य संस्कारी और बेहद विनम्र हैं और अखिलेश यादव का डिप्टी सीएम पर टिप्पणी करना संस्कारहीनता का परिचय है। साथ ही पूरे देश और प्रदेश में उनके बयान की आलोचना हो रही है और इस दौरान राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से, वैसे मैं इस तरह की कोई बात नहीं कर रही थी, सुन रही थी कि ये किस स्तर तक गिर सकता है ओबीसी, ये देश के अंदर हिंदुस्तान के, मैं सभी एजेंसियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि इसकी जरूर नज़र रखी जाए ओबीसी पर, ये देश के अंदर गृहयुद्ध कराना चाहती हूँ। हाँ, तो आतंकियों को उम्र कैद होनी चाहिए, इनको फांसी मिलनी चाहिए भाई, और ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हिम्मत है। बलिया के बैरिया तहसील के अंतर्गत रामगढ़ और दया छपरा में मंडलायुक्त आजमगढ़ विजय विश्वास पंत ने गंगा नदी पर हो रहे कटान रोधी कार्यों का निरीक्षण किया। विश्वास पंत मंडलायुक्त ने कहा कि इससे पहले जो साइट देखी उसी कार्य में से मैं संतुष्ट नहीं हूं, वहां के बारे में उच्च अधिकारियों से बात करूंगा और इस तरह के कामों का आकलन कराया जाएगा, उसकी जवाबदेही तय की जाएगी, उसकी वसूली की जाएगी, साथ ही उनको क्रिमिनल केस में भी बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट हैं उनमें गति जो है कार्य की संतोषजनक है और जैसे इस वाले प्रोजेक्ट में यहाँ पे जो साइट इंचार्ज है उन्होंने बताया कि 15 जून तक वो पूरा काम करा लेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन बीच में जो एक साइट हमने देखी थी इससे पहले वाली साइट, वहाँ के कार्य की जो गति है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उसके बारे में मैं उच्च अधिकारियों को अवगत कराऊँगा कि वहाँ और तेज़ी से काम होना चाहिए। बाकी जो और साइट्स हैं वहाँ पर, श्रावस्ती में जनपद में राशन कार्ड मेगा कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने फीता काट कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद गरीब व असहाय लोगों का मेगा कैंप में राशन कार्ड बनाया गया। इस दौरान जिला पूर्ति अधिकारी दीपक कुमार वाष्णेय ने बताया कि श्रावस्ती एक आकांक्षात्मक जिला है जहाँ की जनता बहुत गरीब है और ऐसी गरीब जनता को किसी कारणवश राशन कार्ड से वंचित है, उनके लिए आज राशन कार्ड मेगा कैंप का आयोजन किया गया है।
पर श्रावस्ती जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ की जनता काफ़ी गरीब है और ऐसी गरीब जनता जो किसी कारणवश राशन कार्डों से वंचित रहे ऐसे लोगों के लिए आज जिलाधिकारी महोदया द्वारा 26 तारीख रखी गई कि यहाँ पर एक मेगा कैंप का आयोजन किया जाए। उस मेगा कैंप में सभी ऐसे वंचित कार्ड धारकों का खुला आह्वान किया जाए और उनको यहीं पे मौके पे ही उनको बुलाकर उनके फॉर्म भरवा के अपलोड करते हुए उनकी पात्रता की जांच। यूपी विधानसभा में बीते दिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। इस नोकझोंक के बाद सियासी माहौल गरमाया, वहीं अब रामनगरी अयोध्या में भाजपाइयों ने नारेबाजी करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पुतला फूंका है। कल सदन की कार्यवाही, उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदन की कार्यवाही चल रही थी तो हमारे पिछड़े समाज के गौरव, हम लोगों के नेता, सर्व समाज के सम्मान स्वाभिमान संगठन के कुशल संचालक आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सदन में अभद्र टिप्पणी की है, तू तड़ाक और उनके पिताजी तक बात किया है, इससे जो है हमारा पिछड़ा समाज। प्रतापगढ़ में डीएम के अतिक्रमण हटाए जाने के अभियान को लेकर नगर में प्रभावी असर दिखा है। ईओ सुभाष चंद्र सिंह की अगुवाई में तहसील गेट से इंदिरा चौक तक अभियान में अवैध अतिक्रमण क्रेन के जरिए हटवाया गया। टीम ने नगर पंचायत के नेशनल हाईवे के दोनों तरफ बने नाले के फुटपाथ पर मौजूद अस्थायी दुकानों को हटवा दिया। वहीं अधिकारी का कहना है कि लोगों को दो दिन पहले नोटिस देकर बता दिया गया था कि फिर भी बात न मानने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार ये अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम चल रहा है। इस पर NH के जो नाला है उससे 5 फीट की दूरी तक प्रथम फेज में हम वहां पर कोई भी ऐसा सामान रखा हुआ है या ऐसा किसी भी तरीके का अतिक्रमण है उसे हटाया जा रहा है और आम जनता को परेशानी न हो सहूलियत पूर्वक उससे अनुरोध भी किया जा रहा है कि आप अपना सामान इस तरीके से उठा लें। अगर कुछ बोर्ड्स और होर्डिंग्स इस तरीके से लगी हुई हैं कि आने वाले वाहनों को एक ऑब्स्ट्रक्ट क्रिएट हो रहा है, उनका कहीं ना कहीं ध्यान जो है भंग हो रहा है, उनको उनका डायरेक्शन चेंज करवाया जा रहा है कि आप इस तरीके से बोर्ड लगाएं ताकि जो वाहन निकल रहे हैं उसमें ड्राइवर का ध्यान न। रामपुर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एक विशेष अभियान चला रही है। इस अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक की टीम ने 8 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उनके पास से चोरी की 8 बाइक बरामद की है। आरोपियों ने जुर्म कबूलते हुए कहा कि बाइक पर लगी नंबर प्लेट को हटाकर उन पर कर दर्ज फर्जी नंबर प्लेट लगा देते हैं और इंजन का चेचिस नंबर भी मिटा देते हैं। आज SOG प्रभारी सरित मलिक और टांडा प्रभारी अजय पाल सिंह ने अपनी टीम के साथ एक कार्रवाई की जिसमें 8 चोर पकड़े गए। इनके पास से 8 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। जो इनका गैंग लीडर है वो अफजाद पुत्र छोटे निवासी ढोलपुर थाना पटवी का रहने वाला है और पहले भी ये कई मरतबा जेल जा चुका है। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये आसपास के जनपदों से मोटरसाइकिल चोरी करते थे, पास के राज्य उत्तराखंड से भी उन्होंने चोरियाँ की और नंबर बदल कर और चीज़ें नंबर भी बदल देते थे और मोटरसाइकिलों को बेच देते थे। इनके पुराने आपराधिक इतिहास और इनके पुराने कृत्यों की जानकारी थी। खबर कन्नौज से है। जहां कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिलाओं ने आरोप लगाया है कि मेरे घर रात में गांव का ही एक युवक घुस आया और मुझे बुरी नीयत से दबोच लिया। मेरी चीख पुकार सुनकर पति मौके पर आए, पति के साथ भी युवक ने मारपीट शुरू कर दी। उसके बाद युवक ने चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद दंपति ने तिरवा कोतवाली पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही। वही इस मामले पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है, जो दोषी होंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद के एक युवक ने लेखपाल पर जमीन की पैमाइश न करने का आरोप लगाया है और कहा कि कुछ असामाजिक तत्व मेरी जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं और युवक ने मांग की है कि जमीन की पैमाइश लेखपाल आशीष जौहरी से मना कर किसी दूसरे लेखपाल से कराई जाए। इनका मामला है, हमारी जमीन जो देवापुर में है और पटवारी है आशीष जौहरी। हमने 11/4 को ऑर्डर कराए थे, उसके बाद भी हमने कई 15-20 चक्कर लगा चुके हैं लेकिन सुनवाई नहीं कर रहा पटवारी। पटवारी का नाम है आशीष जौहरी।
मतलब वो टालम टूली करते रहते हैं, हमारे ऑर्डर के बावजूद भी ऑर्डर ना कर, ऑर्डर आ गया। रायबरेली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की और अवैध हुक्का बार पर छापेमारी करते हुए पुलिस ने हुक्का बार संचालक समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जांच में चाय समोसे का लाइसेंस भी एक्सपायर्ड पाया गया, फिर भी हुक्का बार संचालन किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस हुक्का संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने में छूट गई है। एक जगह अवैध हुक्का बार की शिकायत मिल रही थी, उसी दुकान पर छापेमारी की गई, तो वहाँ पर अवैध रूप से संचालित हुक्का बार मिला है, जिस पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और वहाँ पर एक लाइसेंस था उनका प्रिपेयर्ड फूड के नाम पर, तो वो भी एक्सपायर हो चुका था, तो उसकी जाँच के लिए जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं वो भी आए। और खबर औरैया से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गुरुवार की सुबह बकरी चराने गई एक महिला को झोले में बंद नवजात पड़ा मिला। जब महिला ने बच्चे को झोले से निकाला तो उसके गले में नाड़े से फंदा लगा हुआ था और मुंह में रुई भी घुसी हुई थी, जिसके बाद आनन फानन में नवजात को संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बच्चा पुल के आगे पुलिया है, नवलपुर के सामने पुलिया है, वहीं पर बच्चा डला हुआ मिला। कितने बजे मिला? भाई 9 बजे। अच्छा, क्या किए, किस हालत में मिला था बच्चा? बच्चा एक एक वो हट्टा में था लिपटा हुआ, भीतर उसके वो सब लगी है और नार जो होती है वो थापी आपी सब लगी है। और बदायूं में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की, जहां बाल पुष्टाहार गोदाम पर अनियमितताओं के मिलने पर तहसील प्रशासन की टीम ने गोदाम को सील कर दिया है। आपको बता दें कि खराब पुष्टाहार मिलने पर समूह वाले और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने हंगामा किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। सर जी, हमारे वो पुष्टाहार हमारा तो अगस्त और सितंबर का मिल गया है, ठीक है, और अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ठीक है, दिसंबर में गया है 30 तारीख को, तो हमें मिला है मार्च में 7 तारीख को करीब, 3 महीने बाद मिला है, समूह से प्राप्त हुआ है 3 महीने के बाद। तो बीच के टाइम का जो राशन हुआ आपका पुष्टाहार का, वो कहाँ जा रहा है? वो सर हमें नहीं पता है कहाँ जा रहा है। तो आपने इसकी शिकायत नहीं की ऊपर अधिकारियों से? सर हमें तो पता, समूह लेके जाते हैं। देवरी में शकुंतला देवी ने एक युवक पर जबरन जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है और पीड़िता ने बताया कि 50 डिसमिल में से 14 डिसमिल मेरा है, जो कि एक युवक जबरन हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहता है, बल्कि इस जमीन पर कोर्ट से स्टे होने के बावजूद भी कब्जा करने से बाज नहीं आ रहा और प्रशासन से मदद की गुहार लगाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ना प्रमोद जायसवाल हमसे जबरदस्ती कर रहे हैं, ये लोग मनमानी हमारा 36 डिसमिल जमीन हमारे नाना बेचे हैं, ये लोग हमसे मनमानी हमारा 14 डिसमिल बच रहा है, जबरन हमसे कब्जा कर रहे हैं। स्टे के दौरान में स्टे हुआ है, दीवानी हुआ है, उसमें SDM दीवानी के तौर पर, मुकदमा के तौर पर SDM महोदय नाम चढ़ा उतरा रहे हैं साहब, कानगो हमारे चौक में आया प्रथम। खबर गाजियाबाद से है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। उड़ीसा से आने वाले एक कैंटर ट्रक से 301 किलो गांजा बरामद हुआ, जो उड़ीसा से तस्करी करके गाजियाबाद लाया जा रहा था। वही अभियुक्तों को पकड़ने पर पूछताछ से पता चला कि गांजे को गाजियाबाद लाकर अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था। इस मामले पर नारकोटिक्स टीम का कहना है कि टीम में जो लोग भी शामिल है, इनसे पूछताछ के बाद उनके भी ठिकानों पर छापेमारी कर कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद की एंटी नार्कोटिक सेल ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 300 किलो गांजा और एक कैंटर जिसमें कि वो गांजा लेकर आ रहे थे, उसको बरामद किया है। उससे पूछताछ में उसने बताया कि ये गांजा ये लोग उड़ीसा से लाया करते थे और गाजियाबाद में अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। इसकी दी गई जानकारी के अनुसार जिन जिनको ये गाजियाबाद में गांजा सप्लाई करते थे और जहां से लाते थे, उन सबको ट्रैक किया जा रहा है और उनके खिलाफ। अब तक की खास खबरों में इतना ही, देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।
सच साहस सरोकार।